सो अनदर डे इन पैराडाइज। बहुत बढ़िया दिन है आज का और वर्कआउट हमने बिल्कुल नहीं मिस किया आज भी, पर आज किया थोड़ा सा चेंज। जिम कर करके हो गए थे बोर, तो आज हमने खेला बैडमिंटन और एक घंटा बैडमिंटन खेला, 600-700 कैलोरी बर्न करी एंड आज का दिन का वर्कआउट वाला मोटिवेशन तो हो गई पूरी। और आगे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो सारे कैंपिंग इक्विपमेंट, वो सारे गियर जो हमने अपनी फर्स्ट कैंपिंग में यूज़ करे। एक तरह से आप इसको गाइड बोल सकते हैं, एक ऐसी गाइड जो फॉर बिगिनर्स कि एग्जैक्टली कैंपिंग गियर क्या होना चाहिए, कितने का आता है, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये छोटी छोटी टिप्स के साथ आपकी फर्स्ट कैंपिंग हो सकती है इजी। जो फर्स्ट चीज आपको जरूरत पड़ेगी कैंपिंग करने के लिए वो है टेंट, और ये फुट टू कैपेसिटी के हिसाब से हमने लिया था डीकैथलॉन से। आप वीडियो को पॉज मत करना क्योंकि लास्ट में इन सब सामानों की लिस्ट हम स्क्रीन पे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे हम इनका लिंक देंगे, आपने इन सब चीजों को कहाँ से खरीदना है। तो एक बजट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट ये है, और ये मेरा फेवरेट कलर था और लकीली मिल गया। इसको सेटअप कैसे करना है उसकी हमें कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिली, इसीलिए इस वीडियो के एंड पे हम आपको दिखाएंगे इसको एग्जैक्टली सेटअप कैसे करना है। इतना इजी है जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं आपको देता हूँ एक प्रो टिप। ये जो है ये एक लो हाइट का टेंट है जिसके अंदर जब इवनिंग होती है कैंपिंग में तो आपको इसके अंदर जाके लेटना ही पड़ेगा, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। प्रो टिप ये है कि इसके अलावा जो दूसरे आते हैं कैंप्स जिसके अंदर हाइट ज्यादा होती है सो दैट यू कैन स्टैंड इनसाइड, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है मेरे हिसाब से, आप चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट लिस्ट में है स्लीपिंग बैग, और ये 10 डिग्री तक के टेम्परेचर को मैनेज कर लेता है। स्लीपिंग बैग के लिए आई थिंक दिस इज द फैंटास्टिक चॉइस, 10 डिग्रीज में ओके है, साइज ओके है, सो दिस वॉज आवर चॉइस फॉर स्लीपिंग बैग। अब हम बात करेंगे ये कुकिंग सेट की। ये कुकिंग सेट आपको बहुत ज्यादा काम आता है अपनी कैंपिंग में, ये ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है और इसमें आप कुकिंग करते हैं। इसकी लिड भी है साथ में, इसके अंदर आता है एक स्पून, एक बटर नाइफ और आता है एक फोक। इसमें होता है कंटेनर, इसमें आप अपना खाना बना के खा सकते हैं। वेरी लाइट पेपर मटेरियल है, काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा यूज किया है तो ये नीचे से काला हो गया है। और ये मग जिसमें एक हैंडल है जो ऐसे बेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स आपको बहुत कुछ पैक करना है अपने बैग्स में, ये काफी हैंडी है चाय पीने के लिए या पानी पीने के लिए। और नेक्स्ट इज अ पोंचो रेनकोट, और सिंपल रेनकोट आई वुड नेवर रेकमेंड यू, पोंचोस आर द बेस्ट क्योंकि ये पीछे से थोड़े से लंबे होते हैं एंड दे कैन कवर योर रक्सैक जो कि आपका कैंपिंग बैग आप जिसको बोल सकते हैं, जो आप शोल्डर्स पे टांग के जिसमें सारा सामान कैंपिंग का आपने डाला है। और वाटर स्टोर करने के लिए आपको चाहिए ये फ्लेक्सिबल बॉटल जो 5 लीटर कैपेसिटी की है, और इसमें एक नॉजल आती है जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं वाटर फ्लो और ऑफ कर सकते हैं। और ये है वेस्ट बेल्ट्स, आपके रक्सैक में जो आपका कैंपिंग बैग है उसके अंदर सारी चीजें तो आ जाएगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको चाहिए होती हैं ऑन द स्पॉट ऑन द गो। फॉर एग्जांपल सेल फोन रखना हो, बैटरीज पावर बैंक ये रखने हो, और टॉर्चेस नाइफ सर्टेन थिंग्स आपको हैंडी चाहिए एकदम, उसके लिए ये बेल्ट्स बहुत बेनिफिशियल है। और आपको जरूरत है टॉर्चेस की बिकॉज कैंपिंग में कभी ना कभी रात को ट्रेकिंग के लिए या जनरली आपको लाइट की जरूरत पड़ती है, तो दिस टॉर्च इज वेरी हैंडी। ये यहाँ से ऑन होती है, ये दो मोड्स में आती है, फोकस मोड और ये है इसका ओवरऑल मोड। इसके अंदर जो बैटरी है वो रिचार्जेबल है, आप इसकी एक्स्ट्रा बैटरीज भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा सेटअप मिलता है जिसमें आप 3 AAA की बैटरी लगा सकते हैं, आप ये जितनी अपने साथ लेके जाएंगे डिपेंडिंग ऑन आप कितने दिन कैंपिंग कर रहे हैं तो ये काफी आपके काम है। माई मोस्ट फेवरेट टॉर्च लाइट इज दिस, बेसिकली ये लैम्प है, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इसकी लाइट की, और ये 3 मोड में चलता है, 1 इज अ सिंगल मोड, फुल मोड और लास्ट में ये फ्लैश। ये इमरजेंसी SOS की लाइट है, इसके अंदर भी 3 रिचार्जेबल बैटरीज हैं जिसका आप एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जा सकते हैं। और अगर आपने हमारा वो एपिसोड देखा है जिसमें हमने नाइट ट्रैकिंग करी है, जिसमें हमने केव एक्सप्लोर करी है, उसका लिंक ये रहा ऊपर। और एक ये हेडलैम्प जिसको आप अपने सर पे पहनेंगे, इसके भी 3 मोड्स हैं, 1 इज सिंगल एंड दिस इज ऑन द साइड्स एंड ओवरऑल मोड, और ये फ्लैश भी करता है। इसमें भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जिसको आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, इसके साथ एक चार्जर आता है। और ट्रैकिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं बहुत अच्छे शूज, ये हैं वुडलैंड के शूज जो मैंने यूज किए थे, वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड इफ यू लुक क्लोजली इसकी जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड ग्रिप है, बहुत अनइवन सी ग्रिप है इसकी, एक स्ट्रेट लाइंस नहीं है, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जब भी आप अपहिल या डाउनहिल स्पीड में आप जब ट्रैकिंग करते हैं।
और ये है शूज जो मैंने ट्रैकिंग में यूज करे थे, हाई एंकल, बिकॉज मुझे लगता है स्नेक से बहुत डर। तो मैंने क्या सोचा कि अपना जो ट्रैक होगा वो इसके अंदर मैं डाल दूंगा, किसी भी एंगल से कोई भी इंसेक्ट या कोई भी रेप्टाइल इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो वो फोबिया मेरा कवर हो गया। और कितना यूज किया है इन्हें वो तो देख के लग ही रहा होगा, बट आई हाईली रिकमेंड द हाई एंकल वंस। और नेक्स्ट है ये कैंपिंग रैक्स, ये भी इजीली अमेज़न पे अवेलेबल है, और इसका सबसे ज्यादा यूज जो आता है वो आता है बॉनफायर के टाइम पे। इंडिया में तो क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जंगल में लकड़ियां काटना इलीगल है, तो वो तो बिल्कुल मत करना, बट जो लकड़ियां नेचुरली पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं आप उसको उठा के अपनी बॉनफायर में यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस नाइफ, सबसे कूल तो पहले इसका कवर है जो मुझे लगा, और उसके साथ साथ वाइल्ड क्राफ्ट से ही हमने नाइफ लिया था। ये वाली साइड टेक्निकली मुझे नहीं पता क्या यूज है, बट हमने तो सब्जियां काटने के यूज करी थी, और इसकी शार्पनेस बहुत अच्छी है, बट इतना भी शार्प नहीं है कि कट का डर हो, बट स्टिल यूज इट वेरी केयरफुली। फाइनली ये है कंपास, योर बेस्ट फ्रेंड इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल के अंदर नेविगेट करने का यही एक तरीका है, अगर आपने मैप से अपनी लोकेशन, कैंप साइट, हर चीज को सेट किया हुआ है, तो आपको सिर्फ डायरेक्शनल फॉलो करनी है और इवेंचुअली वो आपको सही डायरेक्शन पहुंचा देगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि टेंट कैसे सेटअप करते हैं। स्टेप वन, आप इसको यहाँ से ओपन करें, इसको अभी के लिए हम साइड पर रख देते हैं। यूजुअली इसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, बट इतना भी एक्सप्लेन नहीं करता ये, फिर भी मुश्किल होती है सेटअप करने में। तो पहले स्टेप में आप इसको सिर्फ पूरा बिछा दोगे, राइट? पूरा स्प्रेड करके आप बिछा दो, राइट? ओके, सो टू फोल्ड में पैक होता है और वैसे ही उसको ओपन करना है। और आपने उस साइड को देखना है जिस साइड के ऐसे ये यू टाइप को कुछ दिया हुआ है, दिस इज द एंट्री ऑफ द टेंट। ओके, सो एंट्रेंस में जो यू बना हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारी एंट्री है। जो ये दो हैं बड़े वाले जो फोल्डेड हैं, हमें पहले ये निकालने हैं, एक को हम साइड पर रख देंगे, देन वी जस्ट हैव टू अटैच इट लाइक दिस। ये ऐसे होता है, हमने इसको ऐसे सेट करना है, दिस इज लाइक दिस, हम इसको ऐसे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ता चला जाएगा, ये जुड़ता जाएगा और ये स्टिक बन जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये एक्स बना हुआ है, और इस एक्स में ही ये दो जो बड़ी स्टिक्स, एक ये और एक ये जो हम जोड़ेंगे, ये इसमें अक्रॉस जाएंगी। सो एक कॉर्नर से ये गया यहाँ से, एंड देयर इट इज। आपने मेक श्योर करने कि ये यहां तक आएगी आपकी स्टिक, देन अगेन डू द सेम फॉर द नेक्स्ट वन। एक्स में एक कवर हो गया, अब सेकंड अक्रॉस ये डालेंगे हम इसके अंदर। ओके, ऑल द वे टिल द ब्लैक एंड। उसके बाद यहाँ पे जो ये होल है इसके अंदर हमने ये स्टिक का दूसरा एंड डाला है। वन साइड यहाँ से चली गई और जो सेकंड एक्स था यहाँ से, एंड डोंट वरी गाइस, ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, इट्स वेरी ड्यूरेबल। एंड सेम वे ये यू को देखते हुए, इट्स लाइक अ सी, नॉट इवन यू, इसको देखते हुए एक्स में हमने डाल दिया। यहाँ पे ये दो हुक्स दिए हैं, इसके साथ हमने स्टिक को ज्वाइन कर देना है, वन एंड टू। सेम वे दूसरी साइड भी हम यही करेंगे, वन इज फ्रॉम हेयर, वन इज फ्रॉम हेयर। तो ये जो दो हमारे बेसिकली जो दो कर्व्ड पिलर्स हैं ये हमारे सेटअप हो गए, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेंट। एंड देन जॉइन करने के लिए जो थर्ड स्टिक हमारे पास है ये ए शेप्ड है, दिस विल गो फ्रॉम हियर। और ये एक साइड जाएगी इस एंड में, थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा ये। और उसके बाद ये आपको हुक्स मिलते हैं कुछ, ये बेसिकली टेंट को सिक्योर करेंगे ग्राउंड के अंदर। जहाँ भी टेंट के अंदर आपको ये वाले लूप्स दिखेंगे, ये लूप्स के अंदर से आप इनको डाल के स्ट्रेच आउट करके आपने इनको बेसिकली ग्राउंड के अंदर सिर्फ गाड़ना है इसको। जो हमारी प्रैक्टिस है यूजुअल वो ऐसी है कि हम इसको थोड़ा सा एक राउंड मार देते हैं,
जिससे ये और सिक्योर हो जाता है। तो विंड से बचने के लिए ये सारे हुक्स जितनी कॉर्नर्स हैं उस पर लग जाएंगे, तो हाई विंड में भी टेंट कहीं उड़ेगा नहीं। ये जितनी क्वांटिटी आती है उसमें दो इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, सो मेक श्योर आप इसको जहाँ भी यूज़ करें वापस पैक करके लेके जाएंगे। And home away from home is ready. Tent के back side में आपको ये provide होता है, ये एक stick है, basically holder का। ये ventilation के लिए बहुत सही लगा feature, बिल्कुल भी idea नहीं था कि एक tent में ये होता है feature. So इसके अंदर mosquitoes भी नहीं आएंगे, net लगा हुआ है and ventilation रहेगी tent के अंदर।